इसलिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उन बारों के साथ फिर 40 दिन क्यों रहा? ऐसा उसे क्यों करना पड़ा? मैं अनुभव करता हूं आत्मा में कि मरने के बाद यीशु मसीह को सीधा स्वर्ग जाना चाहिए था। बोलो क्या? क्योंकि ऐसी बात पूरी बाइबल में ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। इसलिए यीशु मसीह को 40 दिन क्यों? हां, यह भविष्यवाणी हुई है कि मैं तीसरे दिन, यीशु मसीह ने खुद भी अपनी भविष्यवाणी की, चेलों को भी बताया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यह भविष्यवाणी हुई है। नबियों ने भी जी उठने की है और यीशु मसीह ने भी अपनी 3 बार जी उठने की भविष्यवाणी की है, पर यह भविष्यवाणी कोई नहीं हुई कि यीशु 40 दिन जी उठने के बाद चेलों के साथ रहेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह 3 दिन तक कब्र में रहे तो सब कुछ 3 दिन में सारा गड़बड़ हो गया। जिन चेलों को इतना तैयार किया, इतना शिक्षा दी, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर देखे, वही चेले, वही पत्रस, यूहन्ना, याकूब जो कहते हैं यीशु मसीह ये नगर वाले हमें अपने नगर में आने नहीं दे रहे, पत्थर लेकर उठाकर तुम्हें ऐसा कह रहे, अभी हमें आज्ञा दे, स्वर्ग से आग बोलेंगे, अभी इस नगर को भस्म कर देंगे। वही चेले डर के मारे एक रूम में बंद है, हमें ना पकड़ लें, हमें ना मार दें। जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया, समझाया, सब जीरो हो गया, पूरी तरह पानी फिर गया, जैसे पंजाबी में कहते हैं। क्या हो गया? पूरी तरह पानी। 3 दिन के अंदर ही, बोलो क्या? 3 दिन के अंदर इतना रात दिन चेले साथ रहे, इतनी स्पिरिचुअल आत्मिक बातें सीखी, इतना जबरदस्त चीजें सीखकर, खुद जो पानी पर चलने वाले, खुद जो इतने हाँ कह रहे हैं कि अभी हम स्वर्ग से आग, प्रभु आज्ञा दे, अभी इनको भस्म कर देंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह को जी उठने के बाद, बोलो क्या है, जी उठने के बाद 40 दिन उनके साथ रहना पड़ा। क्या रहना पड़ा? उनके साथ रहना पड़ा और फिर से उन्हें सिखाना पड़ा, फिर से वो बातें उन्हें फिर से याद कराई, फिर से उत्साहित किया, फिर से वो सारी बातें दोबारा से जागृत की जो वो एकदम से भूल के, हाँ यीशु मसीह मर गया, सब बातें वो भूल गए जो यीशु मसीह ने अपने मरने की और जी उठने की भविष्यवाणी की, सब कुछ वो भूल के। इसी तरह होता है, क्योंकि उनके सामने एक हालात आ, उसी तरह होता है जब हालात होता है तो सब शिक्षाएं, सब कुछ इंसान भूल जाता है। हाँ, क्या सीखा, क्या समझा, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए यीशु मसीह को फिर से 40 दिन उनके साथ रहना पड़ा। बोलो क्या है? फिर से उन्हें आत्मा में तैयार करना पड़ा। हाँ, जब वो फिर से तैयार हो गए, यीशु मसीह चला गया, आत्मा की बात बता गए, वही पत्रस जो डर रहा था, आप कहता कन्ना खोल के गला सुन लो, आप कितनी दलेरी आ गई। आमीन।